हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या होती है? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, जो कि क्या है, सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। अगर हम आइसोमेरेज को क्लासीफाई करें तो आइसोमेरेज दो तरह की होती है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरेज भी कहते हैं। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरेज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज क्या होती है? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनकी IUPAC नेम डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। और स्टीरियो आइसोमेरेज क्या है? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा और IUPAC भी सेम होगी, बस डिफरेंस किस में आएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड 3D स्पेस। स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला है चेन आइसोमेरेज। चेन आइसोमेरेज क्या है? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस होता है, जिसका एग्जांपल है N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इनमें किसमें डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन में। इसी तरह से ब्यूटेनल और 2-मिथाइल प्रोपेनल, इसमें भी क्या है, सिर्फ कार्बन की चेन में ही डिफरेंस है। सेकंड है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल है प्रोपेनॉल और सेकंड वन इज 2-प्रोपेनॉल। इसमें OH कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पर है। और इसमें OH कहाँ है? सेकंड पोजीशन पर है। इसी तरह से ये क्या है, डाइक्लोरो बेंजीन के एग्जांपल्स हैं। इसमें इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये क्लोरीन कहाँ है? ऑर्थो पोजीशन पर है। इसमें कहाँ है? मेटा पर है। थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बस उसमें डिफरेंस किसका होगा, फंक्शनल ग्रुप का। जैसे फॉर एग्जांपल C2H6O, ये दो मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम, बस डिफरेंस किसका है, इसमें है OH ग्रुप और इसमें क्या है, इथेरियल ग्रुप। इसी तरह से एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड, एस्टर, ये सब क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज। द फोर्थ वन इज मेटा मैरिज। वॉट इज मेटा मैरिज? ऐसे आइसोमर्स मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस दो मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, बस ऑक्सीजन के अराउंड यहाँ क्या है, 2 इथाइल लगे हुए हैं और यहाँ क्या, एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है। एंड द फिफ्थ वन इज टॉटोमेरेज। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरेज होती है जिसे हम कीटो इनॉल टॉटोमेरेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर H+ ट्रांसफर होता है, यानी H+ आयन का ट्रांसफर होता है। इंट्रा मॉलिकुलर का क्या मतलब है, विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही H+ आयन का ट्रांसफर होगा। इसकी कंडीशंस क्या हैं, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या कहते हैं हम, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो टॉटोमेरेज की कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए। तो होगा क्या, ये जो H+ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये H+ आके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये कीटो फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनॉल फॉर्म में। तो कीटो और इनॉल यहाँ पर क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरेज भी कहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, 1, 2, 3, 1 से 3 पर हो रहा है, तो इसको हम और क्या कहते हैं, 1-3 सिस्टम भी कहते हैं। 1-3 सिस्टम में H+ आयन का ट्रांसफर। इसी तरह से 1-5 सिस्टम में भी टॉटोमेरेज शो होती है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस 5th पोजीशन से H+ आयन आगे कहाँ अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनॉल फॉर्म में। या 3rd पोजीशन से H+ आयन का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, या कह सकते हैं अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और कंडीशन क्या थी टॉटोमेरेज की, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से ये H आएगा यहाँ पर और क्या बन रहा है, ये फिनॉल। तो ये भी क्या है,
टॉटोमेरेज शो करेंगे। इसी तरह से ये साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या है, आइसो साइनाइड। ये एच प्लस आइन कहाँ आके अटैच हो गया, नाइट्रोजन के साथ। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके टॉटोमेरेज के। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से फॉर्म, कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो जनरली कीटो फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा होती है, कह सकते हैं कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है रादर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। ओके, आपको दो कंडीशंस को ध्यान रखना है कि कब इनॉल की परसेंटेज ज़्यादा होती है। इनॉल की परसेंटेज, एक कंडीशन तो वो है कि जब कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट हो रही होगी तो या तो एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही होगी, या वो मॉलिक्यूल जब कीटो फॉर्म इनॉल में चेंज होगा तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, इनॉल की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, तो इसमें क्या है, इसकी जो इनॉल फॉर्म है इसमें क्या है, बेंजीन की रिंग डेवलप हो रही है जो कि क्या है, एरोमेटिक है, इसीलिए इसकी इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगी, या कहें कि इसकी परसेंटेज इनॉल फॉर्म की ज़्यादा होगी। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल है जिसके इनॉल फॉर्म में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, इसीलिए इसकी इनॉल फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा होगी। और अगला एग्जाम्पल है, ये अभी बताया था, ये क्या है, 1,5 सिस्टम है, इसमें क्या है, फिनॉल बन रही है, फिनॉल क्या है, एरोमेटिक है, इसीलिए इसकी इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगी। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, ये डाइकीटोन है, तो इसमें क्या है, ये इनॉल फॉर्म नहीं बनाता, इसकी कीटो फॉर्म ज़्यादा परसेंटेज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या है, एंटी फॉर्म में चला जाता है और इसमें इनॉल फॉर्म नहीं बन पाती है और इसकी कीटो फॉर्म या कीटो फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर? अगली आइसोमेरेज है रिंग चेन आइसोमेरेज। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनमें से एक स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होगा और दूसरा क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे ये क्या है, ब्यूट वन ईन, और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। ये दोनों एक दूसरे क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स। और सेकंड वन है ब्यूट टू ईन, और ये क्या है, वन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ब्यूट टू इन और वन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन क्या है, एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं। क्लियर? स्टीरियो आइसोमेरिज, स्टीरियो आइसोमेरिज इज ऑफ टू टाइप्स। पहली है कॉन्फिगरेशनल, दूसरी है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज दो तरह की होती है, पहली है जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज क्या है, ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट या कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सिस ट्रांस आइसोमेरिज, इस दो एग्जाम्पल हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ क्या है, दो मिथाइल ग्रुप कहाँ है, सेम साइड पर है। जब दो मिथाइल या दो सेम ग्रुप सेम साइड पर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर्स, और जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर्स। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन कहाँ हैं, अपोजिट साइड पर, और यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ हैं, सेम साइड पर, तो ये इसकी सिस फॉर्म है और ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स की, तो ये आइसोमर कैसा है, सिस, और ये आइसोमर क्या है, ट्रांस। तो डाइपोल मोमेंट सिस फॉर्म का ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रांस फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो,
क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो डाइपोल मोमेंट ट्रांसफर ज़ीरो होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट सिस फॉर्म का ज़्यादा होता है। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर डाइपोल मोमेंट सिस फॉर्म का ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, सिस फॉर्म का ज़्यादा होगा। बात करें सॉलिबिलिटी की, सॉलिबिलिटी भी किस पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी पर, और जिसका डाइपोल में ज़्यादा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा, और जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है उसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए सिस फॉर्म की सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी की बात करें, तो जिसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी लैटिस एनर्जी, या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट आइसोमेरिज है ई एंड जेड आइसोमेरिज। जैसा कि अभी हमने सिस और ट्रांस आइसोमेरिज में देखा था, अगर दो सेम ग्रुप का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सेम साइड पर हैं या अपोजिट साइड पर हैं, तो उसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज के थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट हैं, तो आप उसे सिस और ट्रांस आइसोमेरिज के थ्रू क्लासिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, ई एंड जेड सिस्टम। कैसे हम इस ई एंड जेड सिस्टम या ई एंड जेड आइसोमेरिज को डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे CIP रूल। CIP रूल के अकॉर्डिंग कार्बन जिस एटम या ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है, अगर उसमें एटॉमिक मास ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी 1 देते हैं, और जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसको प्रायोरिटी 2 देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड इस कार्बन से क्या है, ये क्लोरीन अटैच है, और इससे क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, यानी यहाँ पर ये कार्बन इसका एक कार्बन से अटैच है, और यहाँ पर ये कार्बन आयोडीन से है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाया है, तो यानी ये कार्बन किससे अटैच है, कार्बन से। तो ये कार्बन क्लोरीन से है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्लोरीन को हम क्या देंगे, पहली प्रायोरिटी देंगे, और सेकंड किसको देंगे, इथाइल को देंगे। इसी तरह से इधर आयोडीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है कार्बन से, तो इसको प्रायोरिटी 1 देंगे और इसको 2 देंगे। तो फर्स्ट और फर्स्ट यानी सेम साइड पर आ रहे हैं ये, तो ये क्या कहलाएगा, जेड। इसी तरह से सेकंड में यहाँ ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन और कार्बन में एटॉमिक मास नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको प्रायोरिटी 1 देंगे और इसको 2 देंगे। हाइड्रोजन और ब्रोमीन में प्रायोरिटी ब्रोमीन को ज़्यादा देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। तो 1 और 1 कहाँ आ रहे हैं, अपोजिट, तो इस आइसोमर को क्या कहते हैं, ई आइसोमर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज अराइजेज व्हेन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन 3D स्पेस रिजल्टिंग इन 2 आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन वो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3CHOH C OH। ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करने के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, कायरलिटी या एसिमेट्रिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले में देखिए, इस कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है, एक CH3 है, एक OH है, एक COOH है, और एक H है। जब कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो उस कार्बन को क्या कहते हैं, काइरल कार्बन। ओके, मीजो कंपाउंड या मीजो कॉन्फिगरेशन क्या होती है, मीजो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच हैव 2 or more काइरल सेंटर बट ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा काइरल सेंटर होते हैं, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। और मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों, इंटरनल कंपनसेशन। देखिए कैसे, ये कंपाउंड है, इसमें 2 काइरल सेंटर हैं, इसमें इस कार्बन का ऑप्टिकल रोटेशन है +θ और इसका है -θ। तो ये +θ और -θ आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और ऑप्टिकल रोटेशन क्या आएगा इस कंपाउंड का, 0। और जब ऑप्टिकल रोटेशन 0 आएगा, तो वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, क्यों, क्योंकि इनकी ऑप्टिकल रोटेशन इंटरनली क्या हो रही है, कैंसिल आउट या विद इन द मॉलिक्यूल,
तो हम उसे क्या कह सकते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। जैसे रेसिमिक मिक्सचर में क्या था, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, क्यों, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, और म्यूजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमें क्या करना है इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप बताना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या करें, एक मिरर लगा दें, तो हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड यानी फर्स्ट सेकंड का क्या है, जस्ट मिरर इमेज है, या हम कह सकते हैं सेकंड फर्स्ट का क्या है, जस्ट मिरर इमेज है। और अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को सेकंड कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर। तो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, एनेंशियोमर्स। इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखिए, फर्स्ट और थर्ड क्या हैं, यहां देखिए ये OH कहाँ है, दोनों OH कहाँ लगे हुए हैं, राइट हैंड साइड पर। और यहां पर क्या है, एक OH कहाँ है, राइट पर, और एक कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं हो सकते, जब ये मिरर इमेज भी नहीं है और एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड ना तो सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को और ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। इसी तरह से सेकंड और थर्ड में भी क्या है, ये दोनों OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पर, यहाँ एक OH कहाँ है, राइट पर, और एक कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो सेकंड एंड थर्ड भी क्या है, ना तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। क्लियर? हमारा अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके लिए आपको दो पॉइंट याद करने होंगे। हमारा अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका पहला पॉइंट है व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। सपोज अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ काइरल कार्बन। इस कंपाउंड में क्या है, ये दो काइरल सेंटर हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 2। तो 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4। तो इस कंपाउंड के लिए टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, 4। सेकेंड है व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आपको याद रखना है व्हेन काइरल सेंटर इज इवन। अगर काइरल सेंटर इवन नंबर है तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n-1 + 2 की पावर n/2-1। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में कितने हैं, 2 काइरल सेंटर हैं जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो n की जगह क्या लगाएंगे हम, 2। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर 2 - 1 + 2 की पावर 2/2-1। तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 0। 2 की पावर 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, और किसी की पावर 0 होती है तो वो कितना होता है, 1। 2 + 1 आंसर क्या आएगा, 3। तो इस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 3। ओके, एंड व्हेन काइरल सेंटर इज ऑड इन नंबर द फॉर्मूला इज 2 की पावर n-1। इस कंपाउंड में क्या है, ये 3 काइरल सेंटर हैं, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1। तो n की वैल्यू क्या होगी, 3। तो जब 3 की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा क्या, 4। तो इस कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 4। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज क्या है, द आइसोमेरिज विच इज अराइजेज ड्यू टू द रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड्स, इट मे बी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज को और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और थर्ड वन है फिशर प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ईथेन, ईथेन को सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज कीजिए वाई है,
दो वाई को लीजिए और दोनों को कहाँ रखें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। दो वाई को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रख के एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये क्या होती है, इसकी एक्लिप्स फॉर्म। और एक वाई को अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी वाई को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या है, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, जब दो सेम ग्रुप 180 डिग्री एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो कहलाती है स्टैगर्ड फॉर्म। और क्या है, जब दो सेम ग्रुप एक दूसरे को क्या कर रहे हो, जस्ट अपोजिट हो या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, वो फॉर्म क्या कहलाती है, एक्लिप्स फॉर्म। तो ये इथेन की क्या है, सौ हॉर्स प्रोजेक्शन, ये इसका एक्लिप्स फॉर्म है और ये इसका क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है। अगर हम बात करें न्यूमैन प्रोजेक्शन की तो ये क्या है, इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन है एक्लिप्स फॉर्म में और ये क्या है, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। एक्लिप्स फॉर्म में क्या है, ये वाला कार्बन है फ्रंट कार्बन और ये कार्बन क्या है, रियर कार्बन। तो जब फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे या सुपर इम्पोज कर रहे होंगे तो वो फॉर्म क्या कहलाएगी, एक्लिप्स फॉर्म। और अगर मैं रियर कार्बन को क्या करूं, 180 डिग्री एंगल पर घुमा दूं तो ये वाला एच एक दूसरे के क्या होंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ये क्या है, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। यानी मैंने इसको यहाँ पर कितना रोटेशन दिया है, 180 डिग्री का, तो ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है और ये इसकी क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है। इसी तरह से अगर मैं इथेन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो ये क्या होगी, इथेन की फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर। अगर हम बात करें ब्यूटेन के केस में तो ये क्या है, 1, 2, 3 और 4। अगर हम सेकेंड और थर्ड कार्बन को फ्रंट और रियर कार्बन मान के चलते हैं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा उसका इस तरह से, ये मिथाइल इस मिथाइल को सुपर इम्पोज कर रहा होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को सुपर इम्पोज करेगा और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को सुपर इम्पोज करेगा, तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म कहलाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इसे 60 डिग्री एंगल को रोटेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल आ जाएगा इधर, ये हाइड्रोजन आएगा इधर और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्म क्या कहलाती है, गाउचे फॉर्म। इनके इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री एंगल, और ये एंगल क्या कहलाता है, डाईहेड्रल एंगल। तो अगर हम फुली एक्लिप्स फॉर्म के की बात करें तो इनके बीच में कितना होगा डाईहेड्रल एंगल, 0, इसमें कितना होगा, 60 डिग्री, ये फॉर्म क्या कहलाएगी, गाउचे फॉर्म। और अगर हम फर्दर 60 डिग्री इसे घुमा देंगे तो ये क्या होगा, मिथाइल आ जाएगा इधर, तो ये क्या फॉर्म कहलाएगी, पार्शियली एक्लिप्स। और फर्दर 60 डिग्री घुमा देंगे तो ये मिथाइल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी 180 डिग्री एंगल पर, तो ये क्या फॉर्म कहलाएगी, स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर्स की तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड फॉर्म, देन गाउचे फॉर्म, फिर पार्शियली एक्लिप्स और सबसे लास्ट में होता है फुल्ली एक्लिप्स। स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, देखिए इसमें मिथाइल मिथाइल ग्रुप आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री पर, तो यहाँ जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा। और फुल्ली एक्लिप्स सबसे लीस्ट स्टेबल है या सबसे कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पास होंगे तो यहाँ रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है, मिनिमम रिपल्शन, इसमें है मैक्सिमम, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर। इसी तरह से अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड, देन गाउचे, फिर पार्शियली एक्लिप्स और फिर फुल्ली एक्लिप्स। जनरली स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है उसमें गाउचे फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल FCH2CH2OH है, इसका ये क्या है, गाउचे फॉर्म है, इसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या है, ये गाउचे फॉर्म है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। इस तरह के कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगी, गाउचे, फिर क्या होगी, स्टैगर्ड, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड, देन फुल्ली एक्लिप्स्ड। इस तरह के कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर। अगर हम बात करें कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन का क्या है, चेयर फॉर्म है। ये ए और ई क्या है, यहाँ पर ए क्या है, एक्सियल पोजीशन, ई क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये सभी क्या है, इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये क्या है साइक्लोहेक्सेन की, बोट फॉर्म है, और ये है इसकी ट्विस्ट बोट फॉर्म, और ये है इसकी हाफ चेयर फॉर्म। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है, चेयर फॉर्म का होता है, उसके बाद ट्विस्ट बोट का होता है, देन बोट फॉर्म का होता है, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सी होती है, हाफ चेयर। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का होगा उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर किसका हो जाएगा,
एनर्जी का हो जाएगा। बात करें ऑप्टिकली एक्टिविटी की, तो जो ट्विस्ट बोट फॉर्म है वही सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव होती है, बाकी सभी फॉर्म क्या होती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। बोट फॉर्म में ये जो दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की सभी फॉर्म्स के लिए एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो ये क्या है, एनर्जी डायग्राम फॉर साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये चेयर फॉर्म के लिए है, ये ट्विस्ट बोट के लिए है, ये हाफ चेयर के लिए, और ये किसके लिए है, बोट फॉर्म के लिए। तो इस डायग्राम से क्लियर विजिबल है कि चेयर फॉर्म की एनर्जी सबसे कम है, इसीलिए स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म की क्या है, सबसे ज़्यादा है, और हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। क्लियर।